आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट में एक नया चेहरा दिखाई देगा और वो है चीन की हीरोइन जूजू का। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने कुछ समय पहले कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि जूजू भारत आकर फिल्म का प्रमोशन करेंगी। तभी से फैंस उनका काफी इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिल्म की रिलीज को अब महज कुछ दिन ही बचे हैं और दर्शक जूजू को भारत में प्रमोशन करते देखने के लिए काफी बेचैन हैं। ऐसे में हाल ही में कबीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जूजू फिलहाल चीन में कुछ फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। इसी वजह से वो भारत आकर फिल्म का प्रमोशन नहीं कर पाएंगी। हालांकि ये खुलासा डायरेक्टर कबीर खान के द्वारा काफी बाद में किया गया, जब फिल्म अपनी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट मार्टिन ने भी फिल्म के प्रमोशन में बहुत बाद में हिस्सा लिया था, जिस पर सलमान खान और कबीर खान का कहना था कि हमने सबसे बेहतरीन चीज बाद के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अगर जूजू पर वापस लौटा जाए तो उनके फिल्म प्रमोशन में हिस्सा ना लेने की वजह कुछ और ही है। एक सोर्स ने जूजू के ट्यूबलाइट प्रमोशन का हिस्सा ना बनने की असली वजह बताई है, जिसके अनुसार चाइनीज सरकार फिल्म ट्यूबलाइट से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और उनको चिंता है कि डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म में उनके देश को किस प्रकार से दर्शाया होगा, क्योंकि इस फिल्म में भारत चीन के बीच हुई लड़ाई के विषय को दिखाया गया है। तो चाइनीज सरकार को ये शंका है कि उनके देश के लोगों को फिल्म में शायद ठीक ढंग से नहीं दर्शाया गया होगा। इसी के चलते जूजू से फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा ना लेने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जूजू से पहले भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में लेने की बात चल रही थी। उस समय खबर आई थी कि दीपिका को फिल्म में अपना रोल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। दीपिका के द्वारा इस फिल्म को छोड़ने के बाद चाइनीज एक्ट्रेस जूजू को सलमान खान की इस फिल्म के लिए साइन किया गया। आपको बता दें कि ट्यूबलाइट कल यानी कि 23 जून को सिनेमाघरों में लगने के लिए एकदम तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।